नेपाल में एक विमान हादसे का शिकार हुआ है। तो बड़ी खबर, काठमांडू से पोखरा जा रहा विमान क्रैश हो गया है। यति एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। विमान में तकरीबन 68 यात्री सवार थे। अभी फिलहाल किस तरह की स्थिति है उसको लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई। बड़ी खबर, नेपाल में एक विमान हादसे का शिकार हुआ है। काठमांडू से पोखरा जा रहा था यह विमान, जो क्रैश हो गया है। यति एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जहां विमान में तकरीबन 68 यात्री सवार थे। तो बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहा है, नेपाल में एक विमान हादसे का शिकार हुआ है। और इस बीच बता दें कि इस विमान में तकरीबन 68 लोग सवार थे और यदि एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। फिलहाल यहां पर सूझबूझ के साथ तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो यहां पर अभी तक सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल किस तरह की जानकारी है वो भी सामने नहीं आ पाई है। और ऐसे में आपको बता दें कि एक विमान जो काठमांडू की तरफ जा रहा था वो फिलहाल क्षतिग्रस्त हो गया है। तो यदि एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जहां विमान में तकरीबन 68 यात्री सवार थे। इस बीच आपको बता दें कि यति एयरलाइंस का विमान है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इस दौरान नेपाल में एक विमान हादसे का शिकार हो गया। हालांकि सूचना मिलते ही मौके पर टीम पहुंची और इस दौरान रेस्क्यू बदस्तूर जारी है।